हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए गाइस और हम निकल रहे अपने जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। नहा धो के सब चीज़ तैयार वैयार हो गए हैं गाइस, बस निकलना बाकी है। सो गाइस, अगर मेरा पिछला वीडियो मन नहीं देखे हो तो सो गाइस पहले जाके देख लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस, आप सभी का सपोर्ट और प्यार ज़रूर बना कर रखें, तब जाके कुछ फीलिंग बेटर आता है गाइस। जब आपके व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस, ज़रूर करें लाइक शेयर कमेंट। और गाइस, जर्नी पर कंटिन्यू ज़रूर बने रहें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। सो गाइस, आज की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली अपन है जगदलपुर के मेन रोड में और कुछ सजावट आपको दिख रही होगी, मेरे को भी पता नहीं गाइस, लेकिन क्या है पता नहीं, आगे जाके पता ज़रूर कर लेंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, अच्छे से सजाया गया है, मस्त है दोनों साइड। शार्क टैंक का मतलब शार्क लाइट वाइट लगाया गया है, अब क्या पता आगे कुछ बोर्ड वोर्ड देखने से पता चलेगा गाइस। सो गाइस, ये त्यौहार अपने मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, ईद कुछ है शायद, आगे मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन ईद का कुछ है नहीं पता। मेन रोड को सजाया गया है और आगे कैसा है क्या है पता नहीं, पर देखते हैं आगे। कंटिन्यू बने रही है आप सभी, ये मेन रोड का सीन है। अभी का समय लगभग 8 बज रहा है, 8:20 कुछ हो रहा है, 8:20 कुछ हो रहा है गाइस। और सजाया तो सभी जगह है, देख सकते हो, ये है गोल बाजार चौक जो कि आपको दिख रहा होगा। शार्क लाइट पूरा चारों तरफ से लगाया गया है, अपने राइट साइड पर है गोल बाजार। और जैसे कि पूरा रोड को सजाया गया है, तो आगे मस्जिद है एक, पर पता नहीं कौन सा मस्जिद है क्या है, लेकिन आगे एक मस्जिद है अपना तहसील के आगे। और गाइस, यहाँ का सीन भी आप देख सकते हो, यहाँ भी मस्त सजाया गया जो कि इंटर गेट है, यहाँ मुस्लिम भाइयों का जो इंटर गेट है, जो त्यौहार है वो सामने से इंटर गेट है, यहाँ भी सजाया गया है। और गाइस, हम चल रहे अपने जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। सभी जगह सजाया गया है और बहुत सारी जगह पर अच्छे से सजाया गया है, बहुत बढ़िया है। मतलब रात का सीन कैसा होगा वो भी आपको दिखाएंगे, डे का तो दिखा दिया है, कुछ इस तरीके का सजाया गया है, लेकिन इस सीन का मतलब नाइट में कैसा शो होगा, कैसा दिखेगा, वो सब चीज़ें भी आपको नाइट में मिलेगी। सो गाइस, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रही, आप सभी को मैं आगे मिलता हूँ, अपने जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे काम वाम भी सब चीज़ करना रहता है। सो गाइस, सब चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप भी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस, फाइनली शाम हो चुका है और अभी का समय लगभग 7:30 बज रहे गाइस, और आपको ये सीन दिख रहा होगा, ये है चांदनी चौक का, और आपको पूरा बीच के डिवाइडर में आपको झंडा दिख रहा होगा, क्या का झंडा है पता नहीं, लेकिन मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोगों का ही झंडा है, अब क्या का झंडा है, कौन से पूजा का झंडा मतलब वो पता नहीं, लेकिन झंडा लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा राइट साइड पर, जो कि डिवाइडर के बीच में लगा हुआ है। आपको पूरा नाइट का शो दिखाऊंगा, मतलब कि आपको दिख रहा होगा साइड पार्क पास कुछ इस तरीके का सजाया गया है। और गाइस, आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको पूरा सीन दिखाऊंगा, जिस जिस जगह पर मैं सुबह दिखाया उससे ज़्यादा जगह पर दिखाऊंगा किस तरीके का सजाया गया है, क्या है, और अभी अपना जगदलपुर कैसा दिख रहा है वो सब चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। सो आप कंटिन्यू बने रहिए व्लॉग पर। आपको जैसे कि मैंने सुबह दिखाया था कुछ इस तरीके का सीन था, सुबह मतलब कुछ अलग सीन था, और अभी का सीन आप देख सकते हो, लाइट की वजह से कुछ अच्छा लग रहा है, मस्त नीचे। और गाइस, आपको तो पता ही होगा कि हमारे जगदलपुर में रात के लगभग 10-11 बजे तक दुकानें खुली रहती है, सभी को लगभग पता है, रात के 10-10:30-11 बजे तक भी खुली रहती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। और सुबह का टाइम तो पता ही होगा, वही 10:30-11 बजे खुलता है। सजावट देख सकते हो, भीड़ भी आप देख सकते हो, भीड़ तो लगा हुआ है। शाम के समय इस मेन रोड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगे रहता है, यहाँ अगर बाइक वाइक में आए ना तो ध्यान से चलाए, ध्यान से निकले गाइस, और हर जगह पर आपको पुलिस मिल ही जाएगी, पुलिस प्रोटेक्शन आज भी है, आज त्यौहार है इनका तो इनके हिसाब से पुलिस प्रोटेक्शन है ही है, लेकिन बाकी के दिन जहाँ नॉर्मल का डे होता है ना, तो चौक चौराहे पर आपको पुलिस मिल ही जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। क्या है कब क्या हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं रहता, मतलब कब क्या हो जाए बोलने से दुर्घटना होते रहती है, एक्सीडेंट वगैरह होते ही रहती है, तो उसी के लिए पुलिस चौक चौराहे पर रहती है प्रोटेक्शन के लिए, किसी को प्रॉब्लम ना हो करके। ये मैंने अक्सर देखा है, ये रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक मैंने देखा है, क्योंकि कुछ कुछ काम वजह से मैं लेट लेट से घर जाता था तो देखता था,
जैसे कि आप देख लिए राइट साइड पर खड़े हैं जो कि सबको साइड दिखा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए अपनी ड्यूटी के लिए, मतलब रात रात भर ड्यूटी करते हैं यार, सलामी तो एक बनता है, उनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सो गाइस मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप कहाँ से हो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, कौन से एरिया से हो, कौन से मुल्क, कौन से एरिया, कौन सा गांव, कौन सा शहर, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, हमको भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ तक देखा जाता है, कौन कौन से एरिया के लोग देखते हैं। और गाइस ये रहा गोल बाजार चौक और यहाँ का सजावट आप देख सकते हो, मस्त सजाया गया है, बढ़िया। और आपको आगे कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ये अपना मस्जिद जाने वाला रोड पर, और आप राइट साइड पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का सजाया गया है, कुछ सिंबल होगा वो मेरे को पता नहीं, पर सिंबल जैसा लग रहा है कुछ सजावट के हिसाब से, कुछ निशान निशान जो कि सामने वाले को समझ में आए, हमको तो पता नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। और गाइस भीड़ तो लग चुकी है और यहाँ पे भी, और अंदर चलते हैं थोड़ा सा अंदर, देखते हैं अंदर का सीन कुछ कैसा है। सो गाइस ये मस्जिद के सामने कुछ इस तरह का सजाया गया है, तहसील ऑफिस के सामने, यहाँ से तहसील जाने होता है, आप सभी को तो पता होगा, यहाँ से आगे से राइट ले लेंगे तो तहसील है। सो गाइस हम थोड़ा सीधा चल के देखते हैं आगे कैसा सीन है, कैसा सजाया गया है, क्या है, कैसा भीड़ है। सो गाइस आगे तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ भीड़ था। सो गाइस ये हमारा दंतेश्वरी मंदिर अपने माई का, जो कि आपको पता ही होगा अभी तो बीच में बस्तर दशहरा हुआ, मतलब दो तीन दिन पहले, आप सभी तो देख ही चुके थे बस्तर दशहरा का पूरा सीन। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो, बस्तर दशहरे का पूरा वीडियो है मेरे पास, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। ये हमारा सीरासर चौक जो कि आप देख सकते हो पूरा भीड़ लगा हुआ है, मतलब गुपचुप गुपचुप खाने के लिए, आपको पता ही होगा। और हमारे लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा होगा रथ, जो कि बस्तर दशहरा के समय जो रथ यूज़ हुआ था वो यही रथ है, हमारे लेफ्ट साइड पर है। ये है सीरासर चौक जो कि आपको पता ही होगा, इसको सीरासर चौक बोलते हैं। सो गाइज आप कंटिन्यू बने रहिए, अभी हम चलते हैं आगे मेन रोड पर, क्या सीन है और क्या होता है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। सो दोस्तों फिर से हम आ गए हैं साइड पार्क पास, क्योंकि हमको थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा भूख लग रहा था गाइस, सीधी और साफ बात, थोड़ा सा भूख लग रहा था तो हम यहाँ आए, यहाँ का सजावट भी आप देख लिए। सो गाइस अभी थोड़ा सा हम एग रोल खा लेते हैं, एग रोल बनाने के लिए बोल दिए, थोड़ा सा भूख लग रहा था, कुछ कुछ खाते रहना चाहिए जो कि अच्छा लगे और माइंड भी फ्रेश रहे, घूमने का मौका मिले। सो गाइस पहले यहाँ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा सीन, सब चीज़ देख लिए, सब चीज़ अच्छे से हो गई है। और गाइज ये अड़ावल का सीन है अभी का, और गाइज मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, 9:30 बज रहे गाइज। सो गाइज पहले घर पहुँचते और घर का बाद क्या होता है, सो आप कंटिन्यू ज़रूर बने रहे गाइज। सो गाइज फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, मतलब लगभग पहले ही पहुँच गया था, और अभी का समय लगभग 11:30 बज रहे हैं गाइज। खाना वाना सब चीज़ तो हो गया है, बस व्लॉग भी अच्छे से हो ही गया है, बस एडिट करना बाकी है वीडियो को। और गाइज मेरे रूम का कुछ यहाँ का सीन कुछ देख सकते हो आप, सभी चीज़ें बिखरी पड़ी है, आपको दिख ही रहा होगा पूरा अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है सभी चीज़ें। और ये रहा मेरा टेबल जो कि यहाँ पर भी सभी चीज़ें बिखरा पड़ा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा पूरा पर्दा वर्दा का सीन, तो पता है पर्दे का क्या काम है और यहाँ का क्या काम है, पूरा चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है, सभी चीज़ों को समेटने नहीं होता है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह निकलना पड़ता है अपने जर्नी के लिए, और रात को आता हूँ खाना वाना खाने का रहता है, नींद वींद लगता है, मतलब थक जाया रहता है शरीर काम की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाता हूँ, चलेगा जैसा बिखरे पड़े रहेगा चल जाएगा। सो गाइस उसके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई घुसेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं किसी को, क्योंकि हम दिन भर रहते ही नहीं, हमको भी बेकार लगेगा नहीं, आए सो गए सुबह उठे निकल गए। सो गाइज बस इस ब्लॉग को एडिट करना बाकी है, बाकी सभी चीज़ें तो अच्छे से हो गई है। सो गाइज आप तो पूरा वीडियो देख चुके होंगे, आई होप गाइज की वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जय हिंद जय भारत।